साथ राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लोकसभा से उनके भाषण के अंश रिकॉर्ड से हटाने का मुद्दा उठाया है। राहुल ने इस पर आपत्ति जताई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, यह बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। और राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, बयान हटाए जाने से हैरान हूं, बयान को रिकॉर्ड में लाया जाए, मेरे बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। और सीधे आपको लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद बोल रहे हैं। संसद के समक्ष भारत की राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश में मर्यादा लंबित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। मान्यवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों में गया था अयोध्या में, वहां की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है। और जहां पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का, जो अयोध्या के नाम है, उसका उद्घाटन किया था, 150 से ज्यादा बाउंड्री वॉल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है मान्यवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। अब कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं प्रभु राम के मंदिर।